तो मेष राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल के पहले सप्ताह के लिए यानी 1 से 7 अप्रैल तक के लिए मेष राशि वालों का समय कैसा रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि मेष है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। सबसे पहले जहाँ तक बात करें 1 और 2 अप्रैल की, तो चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी गोचर में वो आपके अष्टम भाव में रहेगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इनका गोचर आपके अष्टम भाव में होने से इस समय में आपको अचानक धन प्राप्ति, प्रॉपर्टी में लाभ के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा इस समय में अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है कुंडली में, तो धन का नुकसान भी हो सकता है या फिर आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इस दौरान आपको मानसिक तनाव जरूर रहेगा, तो आपको चाहिए कि आप जैसे ओम शब्द का जप कर सकते हैं या फिर शिव जी की उपासना कर सकते हैं, या आप कोई पहले से जिस मंत्र का जप कर रहे हैं उसका जप आप बढ़ा सकते हैं या वही कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इस समय में आपको मानसिक तनाव से निपटना होगा। शुरुआती 2 दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो बहुत अचानक घटित हों, और इस समय आपको एक अनजाना सा भय सा रह सकता है। इस दौरान चंद्रमा के अष्टम भाव में गोचर से अगर आप रिसर्च से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं या आपका जो भी ऐसा है जहां बहुत ज़्यादा सीक्रेसी रहती है, तो ऐसे केस में आपका काम काफ़ी अच्छा रहेगा और आपकी रुचि अपने काम में ज़्यादा बढ़ेगी। चंद्रमा यहाँ से आपके दूसरे भाव को देखेंगे। दूसरे भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने से आपकी वाणी में ये मधुरता लाएंगे, जिससे आप अपने फैमिली के साथ और जिस किसी के साथ भी आप व्यवहार करेंगे, बात करेंगे, उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इस दौरान खान पान में थोड़ा बहुत परिवर्तन आप कर सकते हैं। साथ ही जो आर्टिस्टिक नेचर वाले लोग हैं उनके लिए ये समय और भी उत्तम रहेगा। अगर आप गीतकार, संगीतकार या कोई ऐसे फील्ड से जुड़े हैं तो आपको निश्चित ही फायदा होने वाला है। चंद्रमा का सेकेंड हाउस को देखना, ये आपके धन में वृद्धि करने के साथ साथ आपकी बचत भी होगी, और जो खर्चा आप करेंगे वो खुद पर और अपनी फैमिली पर ही करेंगे। तो ये समय कुछ ऐसा होगा जब आपको थोड़ा अवेयर भी रहना होगा और अचानक होने वाली जो भी घटनाएं हैं उनसे आपको यहाँ पर निपटना पड़ सकता है। जो खराब घटनाएं आपके साथ घटित होंगी, जो दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो ऐसे केस में शुरुआती 2 दिनों में थोड़ा सा आपको संभल कर जरूर रहना चाहिए। इसके बाद 3 और 4 को चंद्रमा यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे और धनु राशि में ट्रांजिट करने लगेंगे। तो धनु राशि में इनके गोचर से आपके भाग्य में वृद्धि होगी यानी भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही इस दौरान आपने किसी को अगर गुरु माना है तो उनसे आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, कोई अच्छी सलाह मिल सकती है और उनसे आप आशीर्वाद ले सकते हैं। चंद्रमा के 9th हाउस में गोचर से स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इस दौरान जो भी हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स हैं उनको विशेष फायदा होगा, और वैसे भी भाग्य का साथ मिलने से आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो पूरे होने लगेंगे। तो आप इस समय में ऐसे कार्यों को निपटा सकते हैं जो आपके लिए लगता है कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाले हैं या बहुत कठिन कार्य हैं। तो ये ऐसा समय रहेगा जब चारों तरफ से आपको मदद मिलेगी। आपको अपने पिता से और जिस किसी से भी आप मदद मांगें उससे आपको मदद जरूर मिलेगी। चंद्रमा यहाँ से 3rd हाउस को देखने से थोड़ा सा आपका जो रूटीन है वो बिजी रह सकता है। आप घूमने फिरने में ज़्यादा रुचि ले सकते हैं। चंद्रमा के 3रे भाव पर दृष्टि से आपके पड़ोसियों के साथ, आपके भाई बहनों के साथ और जो भी आपके रिलेटिव हैं फैमिली में, उनके साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे, और पहले से कोई विवाद चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है तो वो दूर होगा। तो ये जो गोचर है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही आप दूर की यात्रा कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं। इस दौरान आपको विदेश यात्रा का एक अच्छा मौका भी मिल सकता है। तो जहाँ तक कोशिश करें आप अपना जो ट्रेवलिंग का टाइम है उसमें से कुछ समय निकालकर विश्राम इस समय जरूर करें। साथ ही साथ ये समय कुछ ऐसा होगा जब आप अपना जो रूटीन है उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आप समय पर खाना नहीं खा पाएंगे, तो उनको आपको खुद ही मेंटेन करके चलना होगा, अपनी जो पर डे की जो गतिविधियां हैं उनको। साथ ही देखिए 9th हाउस में जो चंद्रमा का गोचर है ये आपको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में या धार्मिक कार्यों में काफ़ी अच्छी रुचि देगा। तो इस दौरान आप कोई भी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल हैं आप अगर, तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। साथ ही आप एक राइटर हैं या मीडिया से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं,
तो आपको विशेष फायदा होने वाला है। इस दौरान आपको चाहिए कि आप किसी भी प्रकार की रिस्क ना लें। इसके बाद चंद्रमा 5 और 6 तारीख को आपके लिए दशम स्थान में गोचर करने लगेंगे। दशम स्थान में इनका गोचर होने से आपको इस समय जॉब मिल सकता है, या पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, अपने कार्य में आपका मन लगेगा। साथ ही साथ इस दौरान जॉब को लेकर कोई नया डिसीजन ले सकते हैं, और जो भी लोग पहले से कोई सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय और भी अच्छा साबित होगा। तो इस दौरान आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर ही फोकस करें, अपने जॉब पर ही फोकस करें। साथ ही आपका जो रूटीन है ऑफिस का, उसको आप बना कर रखें। इस दौरान आपकी सैलरी बढ़ सकती है और प्रमोशन का कोई अच्छा चांस आपको मिल सकता है। इस दौरान आपके साथ काम करने वालों का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। साथ ही आपको अपना जो सीनियर व्यक्ति है, जो सीनियर अधिकारी है, जो आपका बॉस है, उससे अच्छा सहयोग मिलेगा। इस दौरान उनकी तरफ से आपको मोटिवेशन मिल सकता है। साथ ही साथ ये समय में आप घर से लगाव महसूस करेंगे, घर से आप जुड़े रहेंगे। तो दशम भाव में चंद्रमा का गोचर होने से आपका मुख्य फोकस तो अपने जॉब पर ही रहेगा, पर चंद्रमा के आपके फोर्थ हाउस को देखने से कहीं ना कहीं आपका अपनी फैमिली से, अपने परिवार से लगाव काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही आपकी माताजी की सेहत अच्छी होगी, अगर उनको कोई सेहत से जुड़ी हुई दिक्कत चल रही थी। और इस समय आपको प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, कोई सरकारी सहायता मिल सकती है। इस समय इस मामले में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ आपके लिए कहीं ना कहीं नया कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आ सकता है लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ को लेके। तो जो भी नए अवसर आते हैं इस दौरान, उनको आपको कैच करना चाहिए और बहुत ही सोच समझ कर अच्छे डिसीजन लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस दौरान आपके घर में जो माहौल रहेगा काफ़ी शांतिपूर्ण रहेगा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप काफ़ी शांति घर पर महसूस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 7 अप्रैल की। 7 अप्रैल को चंद्रमा एक राशि आगे बढ़ जाएंगे, तो ये आपके लिए चले जाएंगे लाभ स्थान में। अब लाभ स्थान में इनका गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस दौरान आपको धन में वृद्धि होगी, आपको कोई ऐसा लाभ मिलेगा जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, कोई ऐसी इच्छा पूरी हो सकती है जो बहुत लंबे समय से आपकी अधूरी चल रही थी। यह आपकी इच्छा धन को लेकर भी हो सकती है या अन्य किसी कार्य को लेकर हो सकती है। इस दौरान आपके बड़े भाई से आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे और आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान कुछ नए लोगों से आपका जुड़ाव हो सकता है। जिन लोगों से भी आप मिलेंगे या जिनसे भी आप जुड़ेंगे उनसे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। इस दौरान अगर मार्केटिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा फायदा होगा। चंद्रमा के लाभ स्थान में गोचर होने की वजह से आपके धन को लेकर जितने भी कार्य हैं वो बनेंगे। साथ ही साथ इस दौरान आपको चाहिए कि आप अपनी संतान के प्रति विशेष रूप से ध्यान दें और अपनी एजुकेशन पर भी ध्यान दें, क्योंकि चंद्रमा यहाँ से पंचम भाव को देख रहे हैं। इनकी दृष्टि पंचम भाव पर होने से निश्चित ही आपका जो संतान के प्रति स्नेह है वो रहेगा और आप अपनी एजुकेशन या संतान के संबंध में कोई नया निर्णय ले सकते हैं। इस दौरान अगर आप शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा या फिर लॉटरी जैसा कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। इस दौरान आपको अपनी क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कुछ नया काम आप सीखेंगे या आप में पहले से कोई ऐसी दक्षता है, कोई क्रिएटिव स्किल है, तो उससे आपको बहुत ही अच्छी मदद मिल सकती है धन के रूप में। तो चंद्रमा का पंचम भाव को देखना ये आपके धन में तो वृद्धि करेगा ही, साथ ही आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बनाएगा और आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो आपके लिए हो सकता है एक नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो, और जिनका पहले से किसी से प्रेम संबंध है उनका और भी आगे अच्छा चलेगा। तो चंद्रमा का ये पंचम भाव को देखना निश्चित ही, क्योंकि आपकी बुद्धि पर, आपके माइंड पर सीधा सीधा प्रभाव डालेगा, तो आपके जो भावनाएं हैं उनको बढ़ा सकता है। भावनाओं के बढ़ने से आप कुछ ऐसे निर्णय भी लेंगे जो आपके मन पर ज़्यादा निर्भर करते हैं या मन से ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो ये अंतिम दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी शुरुआती 2 दिनों में रह सकती है। तो इस वीक में मेष राशि वालों के लिए जो शुभ अंक रहेगा वो आपके लिए रहेगा 5, और आपके लिए शुभ रंग रहेगा सफ़ेद रंग। फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए इतना ही।